anything, and then we come. I'm gonna make you mine.
समर्पयामि हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ईश्वरी कृपा बनी प्रारब्ध का किया योग ने संयोग का निर्माण किया। कोई हरियाणा से कोई दिल्ली से तो कोई बढ़िया से गुजरात में शक्तिपीठ से कोई भी संत या कोई भी शिष्य किसी भी आश्रम पे अकेले नहीं आता। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। उसके साथ उसके ग्रह दोष आते हैं और संत जब द्वार पे आता है तो उसके साथ उसकी दैविक शक्ति आने करती है। आज ऐसा ही होता आप सबने आनंद लिया बड़ा ही लोगों ने अच्छा सहयोग किया है और गुरुपुर बस यही है कि दो फूल खिले दो फूल खिले दो चमन खिले दो सपनों में श्रृंगार किया दो फूल खिले दो चमन खिले दो सपनों में श्रृंगार किया दो दूर देश के रानी में संतना। अगर जीवात्मा परमात्मा की राह पर चलने की कोशिश करती है तो हमें यही कहना है कि इस तरह से महाराज की समाधि को जितने भी भक्त आए हैं कम से कम अगर आपने दीक्षा लिया है तो मेरा हर साधक कुछ नहीं करे मुझे दान ना दे धर्म ना करे कुछ नहीं चाहिए लेकिन कम से कम हर साधक पांच आदमी से अपने गुरु की महिमा और सिद्धार्थ विभाग की महिमा का मतलब करे उसका जीवन बढ़ता जाएगा। जितने भी साधक है कम से कम पांच व्यक्ति से धर्म की चर्चा करो जगत जननी जगदम्बा की चर्चा करो परमहंस महाराज की समाधि की चर्चा करो यहाँ पर ये कीर्ति की जिससे जगत के लोगों का कल्याण हो रहा है ये करो। अगर तुमने प्रभु की कीर्ति को फैलाई तो प्रभु अपने आप तुम्हारी कीर्ति फैला देगा। एक बार तुम इसकी नजरों में झुक जाओ सारी दुनिया तुम्हारी नजरों में झुका देगा। ब्रह्मांड इसलिए हर आदमी इसी राह पे चलेंगे गुरु बनाना बड़ा आसान और निभाना बड़ा मुश्किल क्योंकि गुरु शरीर से दूर होता है लेकिन रहता रहा है। जब भी आप झुकाओ वहां दर्शन होंगे और जिसने आज से स्वीकार कर लिया उसे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जिस जन पे कृपा गुरु की हो वो जाकर लड़े सातल तक निर्भय है उसको भय ही नहीं हो गया चल से रास्ता से। क्योंकि मेरे भाई साधना ही सबसे बड़ी दौलत है और साधना अभिशाप को वरदान बना देता है और भावना पाषाण को भगवान बना देता है। साधना करें क्योंकि तप बल विष्णु रचयी जग त्राता तपस्या के कारण ही सब कुछ है। कहीं बाड़ी तप है तो कहीं पर आपका हठ योग में एक पैर पे खड़े होके तप है और अगर आप कर्म योगी हैं तो कर्म करते रहना ये सबसे बड़ा तप है। कर्म से भूमिक होना कायरता होगी। इन शब्दों के साथ वाणिग्राम आप लोगों को मेरा प्रणाम। जय शिव शंकर जय मां शारदे जय मां सिद्धदत्त।